नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मिलकर संसद टीवी को आज लॉन्च करेंगे। इसका उद्घाटन शाम 6 बजे किया जाएगा। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज कर एक नया टीवी चैनल बनाया गया है, जिसे संसद टीवी का नाम दिया गया है। इस नए चैनल पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कर्ण सिंह, अर्थशास्त्री विवेक देबरियो और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और वकील हेमंत बत्रा अलग अलग शो की मेजबानी करेंगे। सूत्रों की माने तो संसद टीवी को रिसर्च चैनल के रूप में स्थापित किया जा रहा है। ये चैनल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की संस्थाओं से संबंधित विषयों पर हाई क्वालिटी का कंटेंट पेश करेगा। संसद सत्र की बैठकों के दौरान इस चैनल पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा बाकी समय में जानकारी युक्त कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। कर्ण सिंह कई धर्मों के बारे में जानकारी देते नजर आएंगे तो विवेक देबरियो इतिहास पर बात करते दिखेंगे। वहीं अमिताभ कांत भारत का बदलाव विषय पर कार्यक्रम संचालित करेंगे, जबकि हेमंत बत्रा कानूनी विषयों पर कार्यक्रम पेश कर सकते हैं। तो संसद टीवी के जरिए वित्त मंत्रालय में प्रमुख सलाहकार संजीव सान्याल अर्थव्यवस्था पर अपनी बात रखते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं एंड्रो कार्नोकोलॉजी के जाने माने डॉक्टर अमरीश मिथ्याई स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर कार्यक्रम पेश करेंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि ये जो पूरा संसद टीवी आज लॉन्च होने जा रहा है, इसमें कई तरह के कार्यक्रम रखे जाएंगे जो सीधे आम जनता से जुड़े होंगे। संसद सत्र का भी प्रसारण इसमें सीधे तौर पर किया जाएगा। प्रमुख जो यहाँ पर प्रोग्राम से वो दिखाए जाएंगे और जानी मानी हस्तियां जो हैं वो इस प्रोग्राम को प्रसारित करेंगे। और भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी, कपड़ा मंत्रालय के पूर्व सचिव रवि कपूर को संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है, जबकि लोकसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव मनोज अरोड़ा इसके विशेष कार्यकारी नियुक्त किए गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और नया आज चैनल जो है वो लॉन्च होने जा रहा है, जिसका नाम संसद टीवी रखा गया है। दरअसल लोकसभा राज्यसभा टीवी को मर्ज करके ये नया चैनल आज लॉन्च होने जा रहा है। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इस लॉन्चिंग में शामिल हो सकते हैं। इनके द्वारा लॉन्च ये चैनल किया जाएगा, जिसमें तमाम जानकारियां होंगी देश से जुड़ी। आप इसमें जो इतिहास में संसद सत्र चले हैं वो भी देख सकते हैं, यानी कि अब आप इतिहास भी उठाकर देख सकते हैं कि हमारे देश में बीते कई सालों से संसद कैसी चलती आई है, किस तरह के मुद्दे उठाए गए हैं। तमाम जानकारी अब आम आदमी को मिल सकेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ एक बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक को चिंतन शिविर नाम दिया गया। मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने दिवंगत मनोहर पारिकर का जिक्र करते हुए कहा है कि सादगी ही जीवन जीने का तरीका है। उन्होंने गुजरात के दिनों को भी याद किया और कहा कि बैठक में शासन और नीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि बैठक में इसको लेकर भी चर्चा की गई है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किस तरह और प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाया जाए। ये बैठक राष्ट्रपति भवन के सभागार में हुई और करीब 5 घंटे तक चली। मंगलवार की बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दक्षता और समय प्रबंधन पर प्रेजेंटेशन दिया। सूत्रों की माने तो शासन में और सुधार के लिए ऐसे 4 और चिंतन शिविर आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियमित रूप से मंत्रिपरिषद की बैठकें करते हैं, जिसमें मंत्री महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रस्तुति देते हैं। इन बैठकों से मंत्रियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की ताजा जानकारी मिलने में मदद मिलती है। वहीं दोनों मंत्रियों ने समय प्रबंधन, दक्षता, समस्याओं के कारण का विश्लेषण और पर्सनल स्टाफ के चयन पर भी बात रखी है। कुछ बुनियादी मुद्दों जैसे लोगों के साथ व्यवहार करना, पत्रों का तुरंत जवाब देना भी उनकी प्रस्तुति का हिस्सा रहा है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की है। करीब 5 घंटे तक ये बैठक चली है, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और इसे चिंतन शिविर का नाम दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ जनता के बारे में नहीं, आपस में किस तरह का तालमेल है, सभी मंत्री किस तरह से अपना कार्य निभा रहे हैं, इस पर
गहन चिंतन की जरूरत है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। मंत्री मनसुख मंडाविया और शिक्षा मंत्री भी यहां पर शामिल हुए। उन्होंने खास एक प्रेजेंटेशन दिया है, योजनाओं का लाभ जो है वो जनता तक इस तरह से पहुंचाया जा रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ लोगों तक कितना पहुँच रहा है, तमाम जानकारी इस मीटिंग में हुई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग के दौरान दिवंगत मनोहर पर्रिकर का जिक्र करते हुए कहा कि सादगी ही जीवन जीने का तरीका है। 5 घंटे ये बैठक चली है। उन्होंने गुजरात के दिनों को भी याद किया, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, गुजरात में समय बिताते थे, उन दिनों को उन्होंने याद किया है। और बैठक में शासन और नीति से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि आने वाले समय में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम जो मंत्रिमंडल है उसे पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। साथ ही बैठक में इसको लेकर चर्चा की गई कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किस तरह और प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाया जाए। आपको बता दें कि ये बैठक जो है वो राष्ट्रपति भवन के सभागार में हुई और करीब 5 घंटे तक चली है। मंत्री मनसुख मंडाविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दक्षता और समय प्रबंधन पर प्रेजेंटेशन दिए हैं। देखिए, दक्षता और समय प्रबंधन बेहद जरूरी है और इन्हीं मुद्दों पर चलकर आगे आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ऐसी तमाम बातें यहां पर निकलकर सामने आई है। यानी इस बैठक से सिर्फ यही नतीजा निकल कर आया है कि आपस में किस तरह का तालमेल है और जो योजनाएं हैं लोगों तक कितनी पहुंच रही है, इसका पूरा एक विवरण तैयार किया गया। और आगे बढ़ते एक बड़ी जानकारी करेंगे। दरअसल जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान द्वारा पोषित एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में जांच एजेंसियों ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए संदिग्ध भारत में इस आतंकी मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहे थे। इन सभी से लगातार पूछताछ की जा रही है। दिल्ली में पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा करते हुए एजेंसी ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जानकारी के मुताबिक इस पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल के लिए काम करने वाले 6 लोगों में से 2 ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल की थी। इस आतंकी मॉड्यूल का खुलासा करने के लिए एजेंसी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में छापेमारी की और कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया। एजेंसी का दावा है कि पकड़े गए इन संदिग्ध आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। पाक आधारित आतंकी मॉड्यूल के सदस्य 2 पाकिस्तानियों के इशारे पर काम किया करते थे। उनका मकसद नवरात्रों और अन्य त्योहारों पर आतंकी वारदात को अंजाम देना था। इनके पास आईडी भी बरामद हुई है। पकड़े गए आतंकियों की उम्र करीब 22 से 43 साल तक बताई जा रही है। तो नापाक साजिश जो है पाकिस्तान की वो यहां पर दिखाई दी है, लेकिन इस नापाक साजिश को पूरी तरह से नाकाम किया गया है। जांच एजेंसियों की मानी तो पूरा एक मॉड्यूल तैयार किया जा रहा था। आपको बता दें कि आने वाले समय में तमाम त्यौहार जो है भारत में मनाए जाएंगे, जिसको लेकर पूरी तरह से अलर्टनेस देखी जा रही है। जगह जगह पर छापेमारी देखी जा सकती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली। तो जो पाकिस्तान से आतंकी ट्रेनिंग लेकर भारत में घुसने की कोशिश करते हैं या भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनका जो सीधा टारगेट रहता है वो दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश होता है, क्योंकि यहाँ पर भीड़भाड़ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में एक पूरा आतंकी मॉड्यूल जो है वो तैयार हो रहा था, जिसका भंडाफोड़ किया गया है। 7 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिनमें से कुछ ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली है। इसके अलावा इनके पास से आईडी भी बरामद किया गया है। फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है, लेकिन ऐसी ही तैयारियां जो हैं वो देखी जा सकती है और इसी तहत छानबीन भी लगातार होती रहेगी, ऐसा जांच एजेंसियों द्वारा कहा जा रहा है। अब बात मुंबई की कर लेते हैं। दरअसल दूसरे राज्यों से आने वालों का ब्यौरा रजिस्टर रखने के निर्देश पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने मुंबई के समता नगर थाने में एक शिकायत की है। विधायक ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर का कहना है कि रेप करने वालों की कोई जाति, धर्म और प्रांत नहीं होता है। उद्धव ने समाज को तोड़ने वाला बयान दिया, मराठी लोगों को खुश करने और अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसा कहा, वो माफी मांगे। दरअसल आपको समझा दूं कि पूरा मामला क्या है। मुंबई के साकीनाका में बीते शुक्रवार को एक 34 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार हुआ और दिल्ली की निर्भया की तरह महिला के साथ हैवानियत हुई थी, जिसके बाद अस्पताल में पीड़िता की मौत हो गई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सोमवार को महाराष्ट्र के डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक कर रहे थे। तभी उद्धव ने मीटिंग में अधिकारियों से कहा कि महाराष्ट्र में आने वालों हर
पर प्रांतीय की जानकारी होनी चाहिए ताकि पता लग सके कि कितने लोग मुंबई सहित महाराष्ट्र में आए हैं। वहीं बीजेपी के आरोपों पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने जवाब दिया है और उद्धव ठाकरे का बचाव किया। संजय राउत ने कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे ने किसी जाति धर्म या राज्य का नाम नहीं लिया है, उनके बयान में कुछ गलत नहीं है। संजय राउत ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। संजय राउत कहते हैं कि मुंबई एक अंतर्राज्यीय दर्जे का शहर है, ऐसे में मुख्यमंत्री ने जो कहा कि प्रांतीय के यहाँ आने पर और जाने पर रिकॉर्ड रखा जाए, इसमें कुछ गलत नहीं हो सकता। बीजेपी ने राजनीति बंद कर देनी चाहिए। ये हर बात को लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है। मुझे लगता है कि बीजेपी का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। मुंबई शहर की हालत बिगड़ने में जो लोग जिम्मेदार हैं, अगर उन पर शिकंजा कसने की बात सरकार कर रही है तो उसमें क्या गलत है। सीएम ने किसी जाति धर्म राज्य का नाम नहीं लिया, ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। दरअसल अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो बीते कई दिनों से 20 से अगर 15 दिन की मैं बात करूं तो यहां पर जो रेप की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। नाबालिगों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, चाहे वो पुणे हो या फिर साकिनाका इलाका हो। साकिनाका इलाका इसलिए ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है क्योंकि यहां पर एक 34 वर्षीय महिला के साथ दर्दगी की गई। इतना ही नहीं, दिल्ली की निर्भया की तरह उसके साथ हैवानियत की गई, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। तो ऐसे में जो उद्धव सरकार है वो पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन अपना बचाव भी पुरजोर करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी लगातार शिवसेना को घेरती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में संजय राउत ने उद्धव ठाकरे का बचाव किया और कहा है कि अगर उनके बयान में यह कहा गया है कि कोई भी बाहरी आता है तो उसकी जांच पड़ताल की जाए, इसमें कोई गलत नहीं है, ना ही किसी जाति, ना ही किसी धर्म, ना ही किसी राज्य का नाम यहां पर लिया गया है। अपने राज्य को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना यह एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है और वो बखूबी निभा रहे हैं। तो मुंबई रेप मामलों पर सीएम उद्धव ठाकरे घिरते हुए नजर आए हैं, लेकिन संजय राउत उनका बचाव पूरी तरह से कर रहे हैं। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के मद्देनजर आपने रामनगरी अयोध्या में तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा का नेतृत्व दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किया। इस दौरान काफी भीड़ देखी गई। तिरंगा यात्रा 18वीं सदी के नवाब शुआजुल्ला के मकबरे से शुरू होकर शहर के गांधी पार्क में समाप्त हुई। ये यात्रा करीब 5 घंटे चली थी। इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, राम राज्य लाना है, हिंदू मुस्लिम को एक बनाना है जैसे नारे लगाए। आपने वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि प्रभु राम की अयोध्या नगरी तिरंगे के रंगों से नहाई है, उत्तर प्रदेश में असली राम राज्य लाने की आम आदमी की अंगड़ाई है। वहीं मनीष सिसोदिया कहते हैं कि भगवान राम का पूरा जीवन भाईचारे का संदेश देता है। आज उसी भाईचारे का नारा बुलंद करने प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में आयोजित तिरंगा यात्रा में जन सैलाब उमड़ा है। यूपी की जनता अब गुंडा राज नहीं, राम राज्य चाहती है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ बात की जाए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की, तो वो पहले से ही अयोध्या पहुंचे हुए हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने रामलला के दर्शन पूजन किए हैं, हनुमानगढ़ी भी गए, जिसमें संतों की जो नाराजगी है वो भी निकल कर सामने आई थी। और इस पूरी यात्रा को, या ये कहें इस पूरे दर्शन को, संतों ने ढोंग करा दिया था, लेकिन कल ये तिरंगा यात्रा निकाली गई जो कि 3-4 घंटे तक चली। इस दौरान मनीष सिसोदिया कहते हुए नजर आए कि असली रामराज आम आदमी पार्टी यहां पर लेकर आएगी। सिर्फ लोग कहते हैं कि रामराज है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब भी गुंडा राज्य है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से रामराज लेकर आएगी, जनता के बीच खड़ी रहेगी, जनता के लिए हमेशा कार्य करती हुई नजर आएगी। तो 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में तमाम विपक्षी दल भी लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सभी दल पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं जनता को लुभाने की, और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी शामिल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रामनगरी अयोध्या में तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई। मनीष सिसोदिया यहां पर मौजूद रहे और संजय सिंह भी यहां पर मौजूद रहे। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम और राम राज लाना है, इस तरह के नारे लगातार इस तिरंगा यात्रा में गूंजते हुए सुनाई दिए। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन इससे ठीक कुछ महीने पहले योगी सरकार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। सरकार ने प्रदेश के 5 लाख पेंशनरों को तोहफा देते हुए 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन देने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश में इस समय 12 लाख पेंशन भोगी हैं।
उनमें से तकरीबन 5 लाख ऐसे पेंशनर हैं जिन्हें अभी तक 6वें वेतन आयोग के तहत ही पेंशन मिलती आई है। इस श्रेणी के अधिकांश पेंशनर निगमों से हैं जहां पर अभी तक 7वें वेतन आयोग को लागू नहीं किया गया, लेकिन अपर मुख्य सचिव वित्त एस राधा चौहान के द्वारा जारी शासनादेश के बाद अब प्रदेश भर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन दी जाएगी। इस फैसले को लागू करने में ज्यादा देरी ना हो इसके लिए योगी सरकार ने सभी विभागों को 3 महीने के भीतर पुनरीक्षण कार्य पूरा करने का निर्देश दे दिया। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन देने का आदेश पहले ही जारी कर चुकी है। वित्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 6वें वेतन आयोग से संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुनरीक्षण के तुरंत बाद 7वें वेतन आयोग से जुड़े पेंशनरों के बराबर पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। सरकार के इस फैसले का संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति ने स्वागत किया। हालांकि इस फैसले के टाइमिंग पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि एन चुनाव से पहले आए इस फैसले के माध्यम से बीजेपी राजनीतिक फायदा उठाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। तो 5 लाख पेंशनरों को मिलेगा बड़ा तोहफा। आपको बता दें कि यहां पर विधानसभा चुनाव से पहले ही योगी का एक मास्टर प्लान सामने आया है। हालांकि इस प्लान का स्वागत तो किया जा रहा है, लेकिन इस पर सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि टाइमिंग ऐसी है और इसी वजह से सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी राजनीतिक लाभ इस पूरे प्लान का लेना चाहती है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कई जिलों में जानलेवा वायरल बुखार से लोग और मासूम बच्चे जूझ रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में बुखार के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं श्रावस्ती के जिलाधिकारी ने सभी विभागों को अलर्ट कर दिया है। खासतौर से स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष रूप से उन लोगों पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया जिनके शरीर का तापमान ज्यादा हो और बुखार के लक्षण पाए जाएं। उनका इलाज तत्काल कराने का निर्देश दिया गया है। दरअसल श्रावस्ती में वायरल बुखार के प्रकोप को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। ग्रामीण क्षेत्रों में डीपीआरओ के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई का कार्य तेजी से कराया जा रहा है और दवा का भी छिड़काव कार्य कराया जा रहा है जिससे वायरल बुखार पर रोक लगाई जा सके। वहीं डीपीआरओ ने ग्रामीण क्षेत्रों में मौके पर पहुंचकर साफ सफाई का जायजा लिया। वायरल बुखार के मद्देनजर जिला प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और अस्पतालों में व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। वायरल बुखार की चपेट में आने वाले मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी टीके शिवू ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया है कि लोगों के इलाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। वहीं जब वायरल बुखार के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एपी भार्गव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अस्पतालों में सभी स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त कर ली गई हैं जिससे लोगों का बेहतर इलाज हो सके। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, श्रावस्ती में साफ सफाई की व्यवस्था काफी ज्यादा तेजी के साथ की जा रही है क्योंकि वायरल बुखार लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। तो वायरल बुखार के संक्रमण का कहर बढ़ रहा है। तमाम बच्चे और तमाम जो व्यसक हैं वो इससे ग्रसित नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चों की तो जान भी चली गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग से लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। जनपद श्रावस्ती में बुखार के केसेस जैसे कि इस मौसम में आने चाहिए सामान्य तौर पर उतने आ रहे हैं और इसमें हम लोगों की एएनएम आशा और डॉक्टर्स इसमें विशेष रूप से सक्रिय हैं। जहां भी बुखार केसेस आते हैं उनकी जांच होती है और जांच होने के बाद उनका इलाज किया जाता है। इस विषय में हम लोगों की अंतर विभागीय मीटिंग भी डीएम स्तर से हुई है जिससे हम लोग गाँव में साफ सफाई की व्यवस्था, नालियों की सफाई और एंटी लार्वल का छिड़काव, झाड़ियों की कटाई जो है की जा रही है जिससे कि हम लोग सफाई और पीने के पानी पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं और हम लोगों की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। रोगों को लेकर व वायरल बुखार को लेकर प्रत्येक जिले में हाहाकार मचा हुआ। वहीं अगर जनपद श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि जनपद श्रावस्ती में संचारी रोगों को रोकथाम के लिए जिला स्तर पर एक अभियान चलाकर जगह जगह सफाई करवाया जा रहा ताकि इन संचारी रोगों को फैलने से रोका जा सके। इस संबंध में जब जनपद श्रावस्ती के जिलाधिकारी टीके सिबू से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने सभी विभागों को निर्देशित कर दिया है कि जगह जगह जो जल जमाव की समस्या है, जहाँ पर जल भराव की समस्या है, उसको निस्तारण करके तत्काल वहाँ से जल निकासी की व्यवस्था की जाए और एंटी लार्वा का फागिंग किया जाए जिससे संचारी रोगों को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा जब
जनपद श्रावस्ती के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एपी भार्गव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जो जनपद श्रावस्ती का है वो पूरी तरह से सतर्क है, हम वायरल बुखार को लेकर या संचारी रोगों को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर एनएम व आशा बहुओं की एक टीम गठित की गई है प्रत्येक ग्राम पंचायत में, जिनका काम है कि प्रत्येक दिन में 50 घरों का सर्वे कर बुखार से पीड़ित मरीजों का चिन्हीकरण करके उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए श्रावस्ती से नंद कुमार कश्यप। वहीं मथुरा को कोरोना महामारी से अभी पूरी तरह से निजात भी नहीं मिल पाई थी कि जनपद को डेंगू बुखार ने जकड़ लिया है और गांव शहरों में विकराल रूप धारण कर लोगों की मौत का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। अगर हम मथुरा में डेंगू बुखार से हुई मौतों की बात करें तो मथुरा में 15 मौतें हो चुकी हैं और सैकड़ों डेंगू के मरीज सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की उचित व्यवस्था न होने पर जनपद में 48 घंटे में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। ताज़ा मामला कल रात सामने आया जो शहर मंडी का था, जहां पर एक 15 साल की मासूम नाबालिग की डेंगू बुखार के चलते मौत हो गई, जिसके बाद लगातार परिवार का रो रोकर बुरा हाल है और वहीं कई परिवार ऐसे हैं जो डॉक्टर्स पर भी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। इसकी जानकारी देते हुए बच्चे के पिता ने सरकारी सुविधाओं को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि कॉलोनी में भारी गंदगी व्याप्त है, जगह जगह पानी भरा होने से डेंगू नामक बीमारी फैल रही है और समय समय पर दवाओं का छिड़काव भी नहीं होता है। तस्वीरें आप देख ही सकते हैं किस तरह से आसपास कॉलोनी के कितनी गंदगी है, कूड़ा जो है खुले में ही फेंका गया है, जिसकी वजह से डेंगू उत्पन्न हो रहा है और इसी वजह से लगातार ये बढ़ता जा रहा है, मासूम बच्चे को अपना शिकार बना रहा है। प्रशासन से कई बार शिकायत की गई लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्य नहीं करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा नाराज़गी जाहिर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इससे पहले एक 5 साल की मासूम की भी डेंगू की वजह से मौत हो गई थी और उसके परिजनों ने भी इस तरह के गंभीर आरोप स्वास्थ्य विभाग पर लगाए थे, साथ ही साथ नगर निगम पर भी इस तरह के आरोप लगाते हुए वो नज़र आए थे। मेरी बेटी को 2-3 दिन आया था बुखार, जांच में डेंगू की और हुई थी पुष्टि हुई थी। मथुरा नसों में भर्ती कराई हैं, करीब 12 घंटे रही हैं। उसके बाद हम आगरा ले गए पुष्पांजलि, वहाँ पे पुष्पांजलि में मेरी बेटी दुनिया को अलविदा कर गई। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मतलब सरकारी सेवाएं आप सरकारी सेवाओं की आगे जानकारी नहीं है, आउट एरिया में इतना वो प्रचार और होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए, वो चीज़ नहीं है। और जो छिड़काव वगैरह है वो नहीं है, वो होना चाहिए, इससे ये बीमारी काबू। अब जो बच्ची खत्म हुई कितने साल की थी? 15 साल की बच्ची है मेरी, गुंजल अग्रवाल नाम है बच्ची का मेरी। कितने में पढ़ती थी? 9th में पढ़ती थी, रतनलाल स्कूल फूल कटोरी। कहाँ पर इलाज चल रहा था? इलाज आगरा चला है पुष्पांजलि। अब आखिर में आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। दरअसल सोशल मीडिया पर एक बच्चे का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने वाला हर शख्स अपनी हंसी को काबू में नहीं कर पा रहा। दरअसल इस वीडियो में एक बच्चा इंजेक्शन लगवा रहा है, इस दौरान जो कुछ हुआ वो सुर्खियां बटोर रहा है। वायरल वीडियो में इंजेक्शन लगवाता ये बच्चा काफी घबराया हुआ दिख रहा है। बच्चे के इस घबराते पन और इस नखरे को देख डॉक्टर नाराज हो जाते हैं और उसे 2 बार इंजेक्शन लगाने की धमकी देते हैं, जिसके डर से बच्चा इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि इंजेक्शन लगवाते वक्त जो बच्चे का रिएक्शन देखने को मिला वो सबको हंसने पर मजबूर कर रहा है। यही नहीं, बच्चे की माँ खुद वीडियो में हंसते हुए नजर आ रही है। वीडियो में बच्चा इंजेक्शन लगवाते वक्त कुछ इस तरह की आवाजें निकालता है कि पास खड़ी उसकी माँ भी हंस हंस के इधर उधर हो जाती है, तो वही डॉक्टर भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं, बच्चा काफी छोटा है और इंजेक्शन लगवाने से काफी डर रहा है, लेकिन ऐसे में उसे लगातार डॉक्टर धमकाते हैं और उसके बाद हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। वो कहता है कि मैं नहीं रोऊंगा और मैं चाय पीने आपके घर आऊंगा। तो वीडियो को देखकर हर यूजर्स बच्चे के रिएक्शंस पर हंसता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।